अच्छा लगता है हमारा साथी किसी मुसीबत में है। जल्दी क्या है, आ जाएंगे। देखो कोई तो आ रहा है। दूरी 3400 फीट आ रही है। गाड़ी रुक गई है सेक्टर 34 पे। और दूरी? दूरी 2200 फीट। हवा की दिशा दक्षिण से पूर्व की ओर। सटीकता के लिए दो बार घुमाओ। क्या हमारा टारगेट वही है? अभी रुको, वो हमारा टारगेट नहीं है। सेक्टर टैंगल 3। दूरी 2300 फीट। गाड़ी के अंदर दो लोग दिखाई दे रहे हैं। वही है सैंचेस। क्या है दोस्तों, हम यहाँ सौदा करने आए हैं, लड़ने नहीं। आ, पहले सामान दिखाओ। थैंक यू, सौदा हो गया। हमें गिनने पड़ेंगे। ठीक है। अगर तुम तैयार हो तो फायर करो। Sanchez! Sanchez!
दोनों टारगेट्स को मार गिराया। टीजे, कमांडो ने बताया है कि हम 15 मिनट में टारगेट पर पहुंच जाएंगे। मौसम साफ है। ठीक है, 15 मिनट। रेड, बोल रहा हूं। हमें आगे बढ़ना है। समझ गया। प्रेडेटर 30 सेकंड में टारगेट पर पहुंच जाएगा। तैयार रहो, मैं टीजे। अगले 30 सेकंड में प्रेडेटर टारगेट पर पहुंच जाएगा। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ब्लैक, सुन लिया? रेड बोल रहा, हमने घेर लिया है। दस हजार साल पहले मेसोपोटामिया में जब कृषि उत्पादन का जन्म भी नहीं हुआ था, इंसान फसल उगाने और फसल को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। पौधों और बीजों के विकास के लिए कई सारे उपकरण और तरकीबें खोजी गईं, जिसने कृषि उत्पादन को एक नए मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। धीरे धीरे कई सदियों में कृषि उत्पादन में कई नए और विशेष खुलासे हुए। इसका मुख्य कारण है सीमाओं और वातावरण का बदलते रहना। वजनदार और धीमे संसाधनों की जगह पर तेज तर्रार मशीनें और आधुनिक संसाधन आ गए थे। पहले स्टीम से चलने वाले, फिर बाद में मोटर से चलने वाले। ठंडी, गर्मी, बरसात और खराब मौसमों को बेहतर बनाने के लिए हम हरियाली के बहुत ही शुक्रगुजार हैं, जिसने तापमान को कभी भी सीमा से बाहर नहीं जाने दिया। इसके बाद आया हाइड्रोपोनिक्स और बायोडायनेमिक, जिसने कृषि उत्पादन के विकास को और बदल दिया। उसने 3 नए क्रांतिकारी परिवर्तन दिए।
विज्ञान के मुख्य विभागों में से रसायन विज्ञान वो पहली चीज थी जिसने सबसे ज्यादा योगदान दिया कृषि उत्पादन को बेहतर बनाने में। शुक्रिया उनका भी जिन्होंने कीटनाशक और खाद्य को खोज निकाला। अनुवांशिक विज्ञान ने हाल ही में कृषि उत्पादन को अच्छा योगदान दिया है। जीव विज्ञान विभाग की सहायक खोज से कृषि उत्पादन ने बहुत ही अद्भुत प्रगति की है। शुक्रिया आपके संस्था के सहयोग और योगदान के लिए, जिसके कारण हम बहुत ही अच्छी खोज कर पाए, जिसने इतिहास के चक्र को घुमा दिया। संक्षिप्त में अगर कहूँ तो हमने इतनी प्रगति की है जितनी 10,000 वर्षों में भी नहीं होती। उसमें शामिल है हाल ही में आधुनिक ज्ञान स्टेरॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स और साइनोबैक्टीरिया, मैग्नेटाइज्ड पानी यूट्रोफिकेशन को नियंत्रित करता है, स्पेशल LED लाइटिंग और आखिर में DNA के बहुत ज्यादा ट्रांसजेनिक बदलाव किए गए, जिसमें इंक्यूबेटर बनाया गया जो किसी भी फसल के बीज को जल्द से जल्द बढ़ाने की शक्ति देता है, वो भी उसके घनत्व पे बिना कोई प्रभाव डाले। सबसे पहला टेस्ट किया गया था एरिथ्रोजाइलम कोका के बीज पर, जिससे बहुत ही अच्छा परिणाम हासिल हुआ जो फसल को आसानी से बढ़ने में मदद करता है और कभी भी किसी भी क्षेत्र में। इसके अलावा फसल को आसानी से बोने और काटने की पद्धति भी विकसित हुई। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी, जिन बीजों पे काम चल रहा है उन्हें इनक्यूबेटर पर एक्सपोज करने के समय बीज पूरी तरह साफ होने चाहिए, उन पर किसी भी तरह का जीव या जंतु नहीं रहना चाहिए। इनक्यूबेटर का प्राणियों पे प्रयोग करने पर बहुत ही अप्रत्याशित परिणाम देखा गया। तेजी और विकास के अलावा उनमें अप्रतिम बढ़त देखी गई जो कि अविश्वसनीय थी। हमने इस नई टेक्नोलॉजी का नाम रखा है सॉल्यूशन 500। ये सब कुछ हुआ था लगभग 1 साल पहले। आज हमारे ग्रीन हाउस प्रतिदिन लगभग 500 से अधिक कोका प्लांट्स बनाते हैं। इतना मुनाफा हो गया है कि हमारे अकाउंटेंट अभी भी हिसाब करने में लगे हुए हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत जल्दी हमारे हाथों में पूरे देश का नियंत्रण होगा। और अगर ऐसा हो गया तो हमें और अकाउंटेंट्स की जरूरत पड़ेगी। पहले हमने सोचा था कि हम कई सारे छोटे ग्रीन हाउसेस बनाएंगे बढ़िया सुविधाओं के साथ, लेकिन इसके बाद ये होता है कि हमारी फसल इतनी जल्दी और ज्यादा बढ़ जाती है कि उन्हें रखने की जगह भी नहीं बचती है। पैसों की बारिश होगी। हाल ही में एक शिकायत आई है, हमारे भाइयों को कुछ परेशानी हुई है। पिछले 4 महीनों में जो मिलिट्री रेड्स हुई है उसमें हमारे 14 ग्रीन हाउस बर्बाद हो गए हैं। और हमारा 150 मिलियन यूरो का नुकसान हुआ है। इसीलिए हमने तय किया है कि हम अपना प्लान बदल देंगे और हमारे जितने भी उत्पादन केंद्र हैं उन्हें हम अंडरग्राउंड करेंगे। वो किसी को भी नजर नहीं आएंगे, खास करके सैटेलाइट्स को। हमने पहले ही 30,000 से भी ज्यादा बीजों को मॉडिफिकेशन के साथ ग्रीन हाउसेस को सप्लाई किया है। आप लोग सोच सकते हैं कि ये बहुत बड़ी सफलता है। हमें सारे केंद्र को अंडरग्राउंड कर देना है। ये जरूरी है कि हमारे इस संस्थान का असर किसी और पे ना पड़े। जो नया केंद्र है वो गांव से कुछ ही किलोमीटर आगे है और बहुत ही सुरक्षित है, जिसे हमने खाली पड़ी हुई बड़ी बिल्डिंग्स के नीचे बनाया है। ये नया केंद्र हर 48 घंटे में 15,000 कोका प्लांट्स का उत्पादन करता है। आपके हाथ में जो पेपर्स हैं उसमें इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है, साथ ही उस प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी। सही है कर्नल, नए केंद्र पर पहले से ही काम चल रहा है और हमारे कुछ आदमी उनके साथ है जो हमें सही लोकेशन बताएंगे। डॉक्यूमेंट में साथ में काम करने वालों का नाम भी लिखा है। बेवकूफ।
फ्रांस, अर्मेनिया, टर्की, नीदरलैंड्स, स्पेन, ये वो जगह है जहां पर हमने पहले से ही 17 नए प्लांट्स बनाए हैं, लेकिन इस वक्त सिर्फ 5 ही काम कर रहे हैं। बाकी के अगले महीने के खत्म होने से पहले तैयार हो जाएंगे। तो हम यहाँ से 2 हफ्ते में ये देखने के लिए निकल रहे हैं कि काम कैसा हो रहा है और वो पहली फसल कितनी और कैसी आई है। कर्नल, सुरक्षित कम्युनिकेशन शुरू कर दिया है। तो तुमने सब सुन लिया है ना? ये बेवकूफ लोग, इनके आखिरी दिन आ रहे हैं। क्या तुम्हारी जानकारी पक्की है? बिल्कुल, और प्लान भी शुरू कर दिया गया है। बहुत अच्छे कॉलमैन, अब मैं घर जा रहा हूं। ठीक है, चलो काम पर लगते। L9 के कमांडोज को बता दो ऑपरेशन शुरू हो गया है। यस सर। अब तक हमने देश भर में ड्रग तस्करों को ध्यान में रखकर अपने हमले किए हैं। हमने फसल और ग्रीन हाउसेस बर्बाद किए हैं। दुनिया भर की पुलिस फोर्स क्रिमिनल ग्रुप्स को खत्म करने के लिए जी जान से मेहनत कर रही है, उन्हें मारे बिना। इन हमलों में उनका बहुत सारा नुकसान हुआ, मैन पावर, पैसे और सुविधाएं। इसके बाद भी नए केंद्र बनाकर वो लोग ड्रग्स बना रहे हैं। फसल संग्रह की सुविधा के साथ और भी अच्छी तकनीकों का इस्तेमाल करके सब कुछ सीक्रेट रखते हुए, यहां तक कि उनका मॉनिटरिंग सिस्टम भी हमसे बेहतर है। हमारे अंडरकवर एजेंट्स ने हमें यह बताया है कि अमेरिका, यूरोप, इंडोनेशिया और मिडिल ईस्ट, लगभग हर जगह उनके केंद्र बन चुके हैं। इन पैसों का इस्तेमाल वो हथियार खरीदने और आतंकवादियों की मदद करने में करते हैं। इसी वजह से दुनिया में आतंकवादियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस बढ़ते हुए खतरे को रोकने के लिए मिलिट्री इंटेलिजेंस ने एक मल्टीनेशनल फोर्स को अपॉइंट किया है जो इस परेशानी का हल निकालेगी। इस ऑपरेशन का नाम है ओमरा। इतना तो आप जानते ही हैं कि इसे गुप्त रखना है। तो जवानों, इसका मतलब है कि जंग के लिए तैयार रहो। तुम सबको मेरी जिम्मेदारी पर इस मिशन पर काम करने के लिए चुना गया है। हमने 9 स्पेशलिस्ट की एक टीम बनाई है। 6 जवानों को स्पेशल फोर्स से लाया गया है जो लेफ्टिनेंट फेराटी और 3 गवर्नमेंट एजेंट्स हैं। एजेंट मार्कस इंटेलिजेंस और कंप्यूटर सिस्टम के एक्सपर्ट, लेफ्टिनेंट कॉलमैन, शायद आप लोग इन्हें जानते होंगे, और डॉक्टर सार्डी जो माइक्रोबायोलॉजी में एक्सपर्ट हैं। ये जरूरी मटेरियल को कलेक्ट करके उसकी जांच करेंगी।
हमें पता है कि अल्बानिया ने जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों की खेती के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया है। हमारी इंटेलिजेंस कहती है कि ड्रग बनाने वाले ग्रीन हाउसेस अंडरग्राउंड हैं, जो सर्विलेंस सिस्टम की मदद से बिल्कुल सेफ है। वहां 24 घंटे हथियार बंद गार्ड्स तैनात हैं। इस ऑपरेशन का मकसद है बिल्डिंग में घुसकर जरूरी चीजों को हथियाना और बाकी चीजों को तहस नहस कर देना। ध्यान रहे कि हमें इस ऑपरेशन को बहुत ही गोपनीय तरीके से पूरा करना है। ऑपरेशन की स्ट्रेटजी बनाने के लिए आपके पास 12 घंटे हैं। लेफ्टिनेंट कॉलमन आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देंगे। लेफ्टिनेंट वेरेट, तुम यहीं रहना, बाकी सब लोग जा सकते हैं। कर्नल, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि डॉक्टर, एजेंट्स, हम लोग हमेशा अकेले ही काम करते हैं ना, तो अब ये क्यों? फैरिटी, ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर लिया है और इसीलिए मैंने इसमें हर तरह के अथॉरिटीज को शामिल किया है, जिससे शक की गुंजाइश ही ना रहे, किसी को ना पता चले कि हम भी इसमें शामिल हैं और ना ही कोई गवाह बचना चाहिए। समझ गए? क्या बात है, तुमने बहुत प्रोग्रेस की है और ये दिख भी रहा है। शुक्रिया, जो कर सकती हूँ वही कर रही हूँ। हाँ, मुझे ये अजीब लगा तुम्हें बिना सफेद कोट के देखना, तुम लेबोरेटरी में ही अच्छी लगती हो। वैसे तुमने यहाँ पहुँचने के लिए कितने पापड़ बेले? मैं देख रही हूँ तुम इतने सालों के बाद भी नहीं बदले, तुम उतने ही ठरके हो जितने पहले थे। मेरा मतलब ये था कि क्या तुमने बंदूक चलाना सीख लिया है? हाँ, और ये जान लो कि मैं उसका अच्छे से इस्तेमाल भी करती हूँ। लगता है तुम्हारे विचार बदल चुके हैं। ये मामला आत्मरक्षा का है और मेरे ख्याल से ये सबको आना चाहिए। देखते हैं, शांति की बातें करने वाले के मुंह से ऐसी बातें। अब शांति की बात समझता कौन है? अगर तुम मुझसे या ग्रुप से खुश नहीं हो तो तुम अपने घर जा सकते हो। सुनो, हमारे बीच में चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना कि मैं तुमसे सीनियर हूँ, मुझे रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। आई बात समझ में? और अब तुम इस मिशन का हिस्सा बन चुकी हो तो जरा ढंग के जूते पहनना सीख लो। मुझे जो पसंद आएगा वो मैं पहनूंगी, तुम अपने काम से काम रखो।
मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। अब तक तुम्हारे आदमी शायद ये सोच रहे होंगे चलो जल्दी करो उस तरफ। ठीक है, हो गया, अब चलो। सर, प्लान रेडी है। ठीक है, L9 बोर्डिंग के लिए तैयार।
सब कुछ ठीक है ना? तुम थोड़ी तनाव में लग रही हो। ओ, मुझे ऐसे बाल बांध कर रहना अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है इसे साथ नहीं लाना चाहिए था, डरपोक कहीं की। हाँ यार, सही कह रहे हो, यही हकीकत है। इन औरतों की यही परेशानी है, ये सब एक जैसी होती हैं। तो तुमने किसी आदमी का सुझाव क्यों नहीं दिया? वैसे हमें इतनी परेशानी नहीं होगी जितनी ये परेशान होगी। तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो? बस बहुत हो गया, अभी हमें अपना ध्यान नहीं भटकाना है। बेहतर होगा कि हम आपस में तालमेल बनाए रखें। मैं भी चाहता हूँ कि सब तालमेल बना के रखें। मेरा ख्याल है तुम भी सहमत होगी। L9 कमांडो टेक ऑफ। हाकवान, हम तुम्हारी आवाज सुन सकते हैं, ओवर। वातावरण ठीक है, सभी सिस्टम तैयार हैं। ईटीए रिलीज में 2 मिनट बाकी हैं। रिपीट, 2 मिनट, ओवर। कॉपी स्पैरो हाकवान, कर्नल वो जा रहे हैं, 2 मिनट में कूद जाएंगे। कर्नल, ये डीवीडी आपके लिए है। मेरी टेबल पर रख दो, ठीक है? यस सर। स्कैनिंग सैटेलाइट एक्टिवेट कर दिया गया है। चालीवन, चालीवन, स्पैरो हॉक वन बोल रहा हूँ। कॉपी स्पैरो हॉक वन। हम L9 कमांडोज को छोड़ रहे हैं। कमांडो की हम पर पूरी नजर है। तुम नहा क्यों नहीं लेते? हल्के हो जाओगे। मैं कपड़े पहनकर नहीं नहाता जाए। ए, थोड़ा तो लिहाज करो।
तुम पोजीशन पर जाकर मुझे खबर करो, फिर मैं बिल्डिंग में घुसूंगा, समझ गए? है L9 टारगेट की तरफ बढ़ रहा है। L9 टारगेट की तरफ पहुंच रहा है 200 मीटर की दूरी पर। जैक, मेरे पास आओ। कॉपी दैट, ब्लैक बोल रहा हूं। मैं फ्री हूं, ड्यूक फ्री है और डॉक्टर भी फ्री है। ओके। L9 टारगेट पे पहुंच गया। अंदर के दृश्य प्रस्तुत किए जाए।
इशारा मिलने तक यहीं रुकेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि आगे कितना खतरा है। ठीक कहा ना दोस्तों? ओह, अब तुम्हारी बहादुरी कहाँ गई? इसकी बात पर ध्यान मत दो, ये एक साइंटिस्ट है बस। तुम ये तो जानते होगे कि हम ये रात में क्यों कर रहे हैं। क्या जबरदस्त आइडिया है। लीजिए बोल रहा हूं, सेक्टर 1 क्लियर है। तुम दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो? बहुत सालों से। सालों से क्या होता है, लेकिन मुझे समझना तुम्हारे बस की बात नहीं है। कितने मिशंस में साथ रहे हो? सिर्फ एक बार इलाज के लिए आया था। अच्छा। जब मैं नई नई डॉक्टर बनी थी। ए, अच्छा होगा तुम इससे दूर रहो, वरना ये आंखों आंखों में जान ले लेती है। क्या किसी को लिप बाम लगाना है? नो थैंक्स, मेरे पास है। ओह, ये लड़कियां भी ना। बाकी जगह को चेक करो, हम लोगों को खबर तो यहीं की मिली थी। हाँ, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि एक ही दरवाजा नहीं होना चाहिए। यहाँ तो बदबू के सिवा कुछ भी नहीं है। आ, कोई मरा हुआ जानवर होगा, सिर फटने लगा। सोचो तो हमारे साथ अगर वो डॉक्टर होती तो उसका क्या हाल होता। ये बदबू तो जान ही ले लेगी। लीडर बोल रहा हूं, यहां से दोनों यूनिट्स को अलग होना।
वक्त तुम्हारे आदमी बहुत ही कंफ्यूज होकर ये सोच रहे होंगे कि वो ग्रीन हाउस कहां है और वो ड्रग के ट्राफिकर्स कहां है। ऑपरेशन से तंग आ चुके हैं। ये बहुत ही दुखदायक था। उसकी वजह से हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए शेयर होल्डर्स के साथ। हमारा 150 मिलियन यूरो का नुकसान हो चुका है। तुमने हमें कई प्रॉब्लम्स दी, इसीलिए हमने सोचा कि अब हम तुम्हें सबक सिखाएंगे। जैसा कि तुम्हें पता है कि हमारे इंक्यूबेटर्स में जेनेटिकली मॉडिफाइंग बायोटेक्निकल लाइफ फॉर्म्स को बनाने की क्षमता है, लेकिन अब हमारे लोग कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि अब समय आ गया है कि हम ये तुम्हारे साथ शेयर करें, हमारा ये बहुत अद्भुत और नया आविष्कार, क्योंकि तुमने हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ा। जैक, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? जैक, ड्यूक। जैक बोल रहा हूँ। मैं बॉक्स के सेकंड लेवल पे आ चुका हूँ। मुझे चारों तरफ मकड़ियाँ दिख रही हैं। मैं अंदर जा रहा हूँ। तो, तुम्हें क्या दिख रहा है? बॉक्स में क्या है? एक मिनट रुको। ये क्या मुसीबत है? बचाओ! तुम्हें कुछ सुनाई दिया? कैसी आवाज थी? जैक ड्यूक, मेरे प्यारे कर्नल मोंटी, उस जगह पर कोई ग्रीन हाउसेस नहीं है, लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अपनी टीम को जितनी जल्दी हो सके वापस बुला लेता, इससे पहले कि देर हो जाए। ड्यूक, तुम वहां हो क्या? टीजे बोल रहा हूं। ड्यूक, जैक बोल रहा हूं। बोल रहा हूं, तुम सुन रहे हो? L9 41 बोल रहा हूं, जवाब दो। L9 41 बोल रहा हूं, जवाब दो। ऑपरेशन रोक दो, आई रिपीट, ऑपरेशन रोक दो और वापस आ जाओ। जल्द से जल्द बिल्डिंग से निकलो, वो एक जाल है। 41 टू L9, क्या तुम सुन रहे हो? ऑपरेशन रोक दो।
टीजे, जैक बोल रहा हूँ। कॉपी जैक, जल्दी बताओ वहाँ क्या हो रहा है। तुम यहाँ आ जाओ दूसरी मंजिल पर। ठीक है जैक, अपना चैनल ओपन रखना, हम आ रहे हैं। यहाँ पे हो क्या रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ड्यूक कहाँ है? मुझे नहीं पता। साथियों, इन जालों के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? मुझे ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ इतने जाले हैं, इन जालों से 200 साल तक सिल्क की फैक्ट्री चला सकते हैं। ओह गॉड, ये तो कीड़े हैं। हे, तुम्हें क्या लगता है एक बड़े राक्षस ने ये जाल बनाए हैं? क्या तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम्हें लगता है कि ड्यूक की मौत इन मकड़ियों की वजह से हुई है तो कान खोल के सुन लो, ये मिलिट्री ऑपरेशन है, कोई साईफाई मूवी नहीं, समझ गए? जिसमें कल्पनाओं के लिए कोई जगह नहीं है। साथियों देखो, आसपास कुछ भी हिलता हुआ दिखे उस पे गोली चला देना। ये क्या है? शूट करो, गोली चलाओ सब लोग। चलो सब लोग, हमें यहां से निकलना होगा। ये शायद आखिरी था। चलो गोलियां चलाओ। इसे मेरे ऊपर से हटाओ।
उन्होंने हमें पहले ग्रीन लाइट दिया था। शायद वो तैयार नहीं है। टीजे, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? कैलोमैन, बिल्डिंग से दूर रहना, उसके नजदीक बिल्कुल नहीं आना। क्यों, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? ट्यूब खो गया है और उसका रेडियो भी काम नहीं कर रहा है। ट्यूब खो गया है, तुम कहना क्या चाहते हो? उसके रेडियो के बिना बेस स्टेशन से कॉन्टेक्ट नहीं हो सकता। टीजे, मुझे साफ साफ बताओ कि हुआ क्या है। हम यहां से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। हम यहां राक्षसों के बीच में फंस गए हैं। टीजे, टीजे, मेरी बात सुन रहे हो? हजारों की तादाद में है। ओह माय गॉड, इसकी तो सब गड़बड़ हो गई। Enlargement realistic thermovision activated. मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ये तो बहुत बड़ी मकड़ियां हैं। रिकवरी टीम बनाओ और उन्हें वहां से बाहर निकालो। L9 डेटाबेस इसी तरह के जीवों को ढूंढ रहे हैं। मैक्सिमम 80% मैच हुआ है। एट्रैक्स रोबस्टस एक बहुत ही खतरनाक और जहरीली मकड़ी है। सर, हेलीकॉप्टर रेडी है। अगर आपकी परमिशन हो तो मैं भी इस मिशन का हिस्सा बनना चाहूंगा। सिर्फ उन्हें वापस लेकर आना है। जरूर सर, हम ले आएंगे।
की तरफ जा रहे हैं सो। करके दिखाओ। जी सर। तुम भी मरो। ये धमाका कैसा? कितना भयानक है। चलो यहाँ से निकलो। चलो चलो जल्दी। चलो 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 चलो। जल्दी तेज भागो। साड़ी तुम ठीक हो? इस तरफ आओ। ये कौन से कीड़े घूम रहे हैं? मकड़ियाँ! यहाँ पर मकड़ियाँ हैं! ओह गॉड! गोली चलाओ! चलो यहाँ से। ये तो बहुत सारी है। मैं तुम्हें कवर कर रहा। निशाना कैसा था? और तुम कहते हो तुम मुझे जानते हो। इनसे दूर जाना होगा। तुम ठीक तो? हाँ, मैंने इससे भी खराब दिन देखे हैं। डॉक्टर, हमने यहाँ जो भी देखा, क्या तुम्हारे पास उसका कोई साइंटिफिक रीजन है? वो इतनी बड़ी कैसे हो गई? अब मैं बस यही कह सकती हूँ कि मकड़ियों का ज्यादा मात्रा में जेनेटिक ग्रोथ का मॉडिफिकेशन किया गया है। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन ये डिमेंशनल के बढ़ाव के बारे में बताता है जो चल रहा है।
ये तो जाहिर है कि उन्होंने इंक्यूबेटर का इस्तेमाल किया है। उन्होंने इन मकड़ियों में जेनेटिक बदलाव लाने के लिए इंक्यूबेटर का इस्तेमाल किया होगा। शायद उन्होंने हेक्साथिलिडे का भी इस्तेमाल किया हो, इसी से उनका आकार बढ़ गया होगा और ताकत भी, और पता नहीं क्या क्या किया होगा। मतलब वो बिल्डिंग उन खतरनाक मकड़ियों से भरी हुई थी। तो और क्या हो सकता है? उन्होंने हमें झांसा दिया। कितनी घिनौनी मकड़ियां थी। उन लोगों को वहां ऐसा लगा होगा कि वो नर्क में आ गए। उन्होंने बलिदान दिया है और वो धमाका यकीनन कोई संयोग नहीं था। और उससे सारी मकड़ियां भी नहीं मरी। यहाँ रहे तो आसानी से उनका शिकार बन जाएंगे। उन मकड़ियों को तो सिर्फ कच्चा मांस चाहिए। ठीक है, चलो यहाँ से निकलते हैं। कितना भयानक जाल है। तुम्हें लगता है कि ये असली है? हिम्मत है तो सामने आकर मुकाबला करो। चलो क्या तुम्हें भी बदबू आ रही है? क्या है वो? शायद वो न्यूरोटॉक्सिक है जो मकड़ियों से निकला है। ये नर्वस सिस्टम पे अटैक करके मार देता है। वाह, जानकारी दे रही हो कि डरा रही हो? यही सच है और कुछ नहीं हो सकता। जहाँ बदबू है वहाँ मकड़ियाँ होंगी। पर कहाँ, देख तो नहीं रही है। चुप हो जाओ, उनसे पहले मकड़ियों को पता चल जाएगा। सुनो, लगता है हम मुसीबत में हैं। कालोनल, मुझे गोलियां चाहिए। ये लो। Oh my God, पता नहीं मार्कस का क्या हुआ होगा।
रुक जाओ, अब उसे बचाना मुश्किल है। चलो यहाँ से। कभी सोचा भी नहीं था इतनी बार मौत को धोखा देने के बाद आज इन मकड़ियों के हाथों से मरना पड़ेगा। मुझे यकीन है हमें बचाने कोई नहीं आएगा। कामयाब होते तो मौत का भी दुख नहीं होता। तुम्हारा घाव बहुत गहरा है कैलोमन, पर अच्छी बात यह है कि उन्होंने तुम्हें काटा नहीं। क्या तुम्हें यकीन है या मुझे बहलाने की कोशिश कर रही हो? नहीं, अगर वो काट लेती तो तुम अभी सांस भी नहीं ले रहे होते। सबसे बुरा तो ये है हमारे पास गोलियां भी नहीं है। सच कहा, हम बुरी तरह फंस चुके हैं। तुम डरो मत, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें कुछ तुम यहां से निकल जाओ। भागो! सॉरी, आने में देर लगी। चलो चलो, चलने की ताकत तो है ना? जितनी जरूरी है उतनी है। तो ठीक है, चलो।
ये तो मर गई। मुझे लगता है जेनेटिक म्यूटेशन ने इसके सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस को बढ़ा दिया है। सिर्फ इसका आकार ही नहीं बढ़ा, बुढ़ापा भी बढ़ गया है। तुम्हारा मतलब ये बुढ़ापे की वजह से मरी है? हाँ, ऐसा हो भी सकता है। कमाल है। लो और आ गई। नो, हे रुको, हे रुको। जल्दी ऊपर आओ। ऊपर चढ़ो। जिंदगी में पहली बार मैं तुमसे सहमत हूँ। ऐसा खूंखार एडवेंचर मेरे लिए नहीं है। मुझे लगता है मेरी लैब ही मेरे लिए ठीक है। माफी चाहता हूँ, लेकिन तुम कम बहादुर नहीं हो। ना ही तुम इतने बुरे हो, पर कोई बात नहीं, अब सब ठीक हो गया। जारी रखो।